बार मैं देखता हूँ लोगों को, मतलब कि हाँ बस एक पकड़ लिया या कुछ अपने माइंड में कॉन्सेप्ट रख लिया कि मैं ये सोच रहा हूँ तो मतलब ये अच्छा है, इसके लिए मैं पूरी जिंदगी लगा दूंगा। अरे हो सकता है तुम तो सोच रहे हो वो गलत हो, सही है, और तुम उसके पीछे पूरी जिंदगी लगा दो ये एटीट्यूड के साथ कि नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, कि स्वर्ग नरक, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अगर ये कॉन्सेप्ट है भी, मान लिया कि मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, लेकिन जब हम कुछ अपने से कर ही नहीं पा रहे हैं, हमारे नसीब में तुमने लिख दिया पहले से, तुम पहले से लिख दिया तो अब हम नसीब पहले से लिख दिया तो वही चीज तो हम करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम आज डिस्कस करने वाले हैं जैसे कुछ चीज़ें हैं हमारे सोसाइटी में जो चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, एक माइंडसेट बन जाता है लोगों का जो लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देता, बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं। तो क्या वो माइंडसेट होता है, क्या हमारे जो सोसाइटी है उसमें कहाँ पर हम ब्रेक हो जाते हैं, कहाँ पर हम रुक जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक क्या है आप बताओ थोड़ा सा। हाँ, टॉपिक यही है कि जैसे लाइफ में हम कुछ कर रहे हैं या कुछ करने वाले हैं तो उसके लिए हमको मोटिवेशन कहाँ से मिले। ठीक, तो अब ये होता है कि जैसे आजकल होता है लोगों की मेंटेलिटी बन गई है कि आप क्या कर रहे हैं या क्या करने वाले हैं, लोग अगर किसी की बात का लोड नहीं लेते हैं, कारण होता है कि उनकी योग्यता को देखते हैं। लेकिन लाइफ में बहुत ज़्यादा जैसे लोग रहते हैं तो सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा हम पढ़ लिख लिए तो आगे बहुत बड़ा कुछ कर ले जाएंगे, या कुछ लोग होते हैं तो और ऐसा देखा जाता है अक्सर कि हम पढ़े लिखे नहीं है तो उनके अंदर एक हीन भावना आती है कि हम हो सकता है लाइफ में सक्सेस ना हो पाए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि ज्ञान जो होता है, नॉलेज जो होता है, वो अपनी जगह होता है, उसके हिसाब से जो आपकी अंडरस्टैंडिंग, समझदारी जो आपकी होती है वो अपनी जगह होती है। और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो होता है वो समझदारी होती है। अगर आपने एक निश्चित समय में अपनी समझदारी का विकास कर लिया है तो आप जीवन में बहुत आगे जाओगे। जैसा कि उदाहरण भी बहुत सारे लोगों का है, उन्होंने अपने जीवन में समझदारी और अनुभव के आधार पर बहुत बड़े बड़े काम किए हैं जीवन में। तो ऐसी जरूरी नहीं कि आप स्कूली शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और ऐसा भी नहीं कहा जाता कि ज़रूरी नहीं है, होना चाहिए स्कूली शिक्षा, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा। जैसे कहा गया ना कि आपके पास समझदारी भी है और आपके पास स्कूली शिक्षा, हर चीज़ आपके पास है, तो कहा गया सोने पे सुहागा। लेकिन अब ऐसी बात नहीं कि जो लोग किसी कारण बस नहीं पढ़ पाए या कुछ भी हो तो लाइफ में वो बहुत पीछे रहेंगे। उन्हें भी स्ट्रगल करना चाहिए लाइफ में, सीखना चाहिए जीवन से, क्योंकि जीवन खुद एक पढ़ाई है। जब तक आप जियोगे, चीजों को सीखोगे, अनुभव प्राप्त करोगे और लाइफ में बढ़ते रहोगे आगे, तो ऐसे होता नहीं है ना, जिससे बहुत सारे लोग देखते हैं कि मतलब कुछ अगर पढ़ नहीं पाए तो उसके लिए मतलब सोच लेते हैं कि हाँ ये लोग पढ़े हैं तो ये लोग बहुत आगे निकल जाएंगे, हम नहीं पढ़ पाए तो हम आगे नहीं निकल पाएंगे। हाँ, तो कैसे हो जा सर, बताते हैं कि अगर जिंदगी में तुम्हें आगे बढ़ना है तो अगर तुम पढ़े लिखे हो तो अच्छा नौकर बन जाओगे, लेकिन अगर राजा बनना है तो उसके लिए तुमको एटीट्यूड चाहिए, वो नजरिया चाहिए, लड़ने की स्पिरिट चाहिए कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। और एजुकेशन का भी मतलब यही है कि हम सीख पाए, सीखने के लिए तत्पर हो पाए। जैसे हमारा पूरा फॉर्मल एजुकेशन होता है 12th तक, अगर आप उसको देखने जाओगे कि लाइफ में हमारे कहाँ यूज है, कुछ हम पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ लिया मान लिया, कोई साइन थीटा हो गया, ये सब तो मतलब रियल लाइफ में आपके डायरेक्ट यूज नहीं है, लेकिन वो क्या करता है हमारे माइंड को थोड़ा सा शार्प कर देता है। कई सारे लोग मेरे से भी पूछते हैं वीडियोस में कि मतलब क्या करें सर हम, मतलब एजुकेशन का पर्पज क्या है। तो पर्पज यही है कि आपके अंदर थोड़ी सी समझदारी आ जाए, जो आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ चीजें आ रहा है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे उसको देखते हो। क्योंकि क्या होता है कभी प्रॉब्लम्स तो किसी की भी लाइफ उठा करके देख लो आप, सबकी लाइफ में आते हैं प्रॉब्लम्स। हाँ, वही चीज है कि जैसे समस्याएं तो आप जीवन पर्यंत आपके साथ लगी रहेंगी, लेकिन अब क्या करना है ना कि जो समझदार होते हैं उन समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। जब आप अपनी समस्याओं को समझ जाओगे पूर्णतया तो आप उसको दूर करने के लिए नए नए टेक्निक्स का उपाय करोगे। अभी जैसे था बहुत समय पहले जब हम लोग पढ़े तो हम लोगों को पढ़ाया गया कि एडिसन था, उसने बल्ब बनाया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उसके गलत भी हुए, लोग हंसे उसको बचपन में, कॉलेज से ही निकाल दिया गया। लेकिन अब क्या करोगे, देखो उस समय क्या जरूरत थी, किस चीज की रोशनी की जरूरत थी, बंदा इस समस्या को समझा और उसको हल करने के लिए अपना पूरा जीवन झोंक दिया उसमें। आखिर अगर ये देखा जाता कि उसके पास डिग्री हो, डिग्री के आधार पर वो काम करे, तो वो पूरे जीवन में कभी बल्ब नहीं बना पाता। लेकिन उसने अपनी समझदारी को ही अपना अस्त्र बनाया और जीवन में उसी से लड़ता रहा, और इतने सारे एक्सपेरिमेंट गलत होने के बाद भी लोग उसका साथ छोड़ दिए, कोई रहा नहीं, लेकिन वो अकेला बंदा करता गया और एक दिन अमेरिका को रोशन कर गया। और साथ ही साथ आज पूरी दुनिया रोशन है, आप देख रहे हो कि एक छोटा सा रास्ता मिला और उसपे आज कितनी बड़ी बड़ी मंजिलें हैं। आप देख रहे हो चाइना जैसा कंट्री उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आज पृथ्वी पर एक नए सूरज का निर्माण कर दिया। आप सोच सकते हो अगर कहीं बल्ब का यह कॉन्सेप्ट ना आया होता तो आज हम सूर्य का ख्वाब नहीं देख पाते। पुराने वाला जो हमारा होता है, लैंटर्न जलाते थे, डेबरी जलाते थे ऑयल डाल के, तो वही सब चल रहा होता।
लेकिन जब कुछ नया करना हम चाहते हैं, कुछ सीखते हैं, तो लोग तो पहले रोकते ही हैं। हर एक काम, मतलब देखोगे अगर कुछ भी करना है, आप किसी का भी पूरा लाइफ स्टाइल उठा करके देख लोगे, जिनको भी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो आज कि इन्होंने बहुत नाम किया, बहुत नाम किया, अरे उनकी शुरुआती लाइफ तो देखो, क्योंकि हम क्या होता है ना, जब प्रोडक्ट बन जाते हैं तो वही देखते हैं, देखो यहाँ पहुंच गए, अरे उसकी पूरी पीछे वाली लाइफ देखो, फिर आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ तुम भी वो कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जो है लाइफ में हमेशा ही आगे बढ़ते रहना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि कई बार क्या कुछ कंप्लेंट करने लगते हैं, जैसे हाँ। कि पहले आपने बताया था अभी हमने कि एपीजे अब्दुल कलाम का हो गया, विवेकानंद का हो गया, कि उनको बहुत अपॉर्चुनिटी मिल गई थी तब उन्होंने ये कर दिया। अरे नहीं, उनकी लाइफ में हमसे ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, समस्या थी। एपीजे अब्दुल कलाम की आपने स्टोरी सुनी होगी, कैसे कैसे जीवन उनका रहा, कितने स्ट्रगल्स से रहा। एक अखबार, वो कुछ पैसे का व्यवस्था नहीं हो पा रहा था तो अखबार उन्होंने बेचा, बहुत छोटे बड़े दफ्तरों में काम किया, बहुत जगह धक्का मुक्की खाए और दी, लेकिन अब यह है कि उन्होंने अपनी समझदारी का विकास किया, अनुभवों को नहीं जाने दिए, सीखने से पीछे नहीं हटे कि हाँ कुछ नया करते रहेंगे, क्योंकि जब आप करोगे ना तो एक टाइम पे आपको समझ में आने लगेगा कि क्या किया जाए, और जब आप पहले से सोच के बैठ जाओगे मेरे से हो ही नहीं सकता, वही चीज है, तो पीछे ही रह जाओगे। हमेशा ही आदमी को यही देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कहीं ना कहीं लाइफ में, मतलब जैसे कि कहते हैं ना लक वाला फैक्टर होता है, तो उसको भी पूरी तरह निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर किसी को मतलब नहीं मिलता है। सही है, हर किसी को सारी चीजें नहीं मिलती, लेकिन जो तुम्हें मिला हुआ है उसमें तुम अपना एफर्ट लगा रहे हो या नहीं, क्योंकि देखो जो तुम्हारे हाथ में है वो तुम कर सकते हो। अब लक है या नहीं है उसके बारे में कोई नहीं कह सकता, लेकिन जिसका भी लक ने साथ दिया है ना, उसने अपनी मेहनत पे काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर वो मेहनत नहीं करता ना तो लक उसको कुछ नहीं कर सकता था। तो ये मतलब सोचिए कि मतलब सब चीज लक है या पहले से ही भाग्य निर्धारित, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हो सकता है भाग्य साथ दे, लेकिन जब तक आप कुछ करोगे नहीं तो वो भाग्य भी आपका साथ बिल्कुल ही नहीं देगा, क्योंकि जब अपने माँ बाप अगर आप किसी लायक नहीं हैं तो साथ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, कहते हैं, या वो सम्मान नहीं मिलता है। अगर आप कुछ कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, जैसे अभी आपकी कार खराब हो जाए रास्ते में और आप खड़े होकर इंतजार करो कि 10 लोग आए उसको धक्का दें, तो शायद कोई नहीं रुकेगा कि आपकी गाड़ी को धक्का दिया जाए, लेकिन अगर आप एफर्ट लगा रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो जरूर लोग सोचेंगे, दो चार लोग आ जाएंगे कि बिल्कुल हेल्प करना चाहिए, अगर कोई परेशान है तो हर कोई एफर्ट लगाएगा आपके साथ। लेकिन अगर आप बस वैसे खड़े हैं कि नहीं आ जाए 10 लोग तब शुरू करते हैं, तो कुछ नहीं होगा, आपको पहले एफर्ट लगाना पड़ेगा तभी कोई आपका साथ देगा, चाहे वो घर वाले हो, बाहर वाले हो, दोस्त हैं, कोई भी हो। तो इसलिए कई बार पूछते हैं, मतलब मेरे पेरेंट्स साथ नहीं दे रहे, मेरे घर वाले मतलब नहीं बिलीव कर रहे हैं, मैं जो करना चाहता हूँ मुझे नहीं करने देते हैं। देखो कोई भी तुम पर बिलीव तब तक नहीं करेगा ना जब तक तुम कुछ शो नहीं करोगे, कुछ दिखाओगे नहीं, उनको कोई रिजल्ट ला करके नहीं दोगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स हैं और आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। वो तो चाहते हैं कि तुम उनकी जिंदगी में, मतलब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, उनके लिए कुछ करो, कुछ बेहतर करो। कौन पेरेंट चाहेगा कि मेरा बच्चा आगे ना बढ़े या वो ये ड्रीम पूरा ना करे, सब चाहते हैं, लेकिन देखते हैं कि तुम्हारी हरकतें वही है, करते कुछ हो नहीं हो, बस केवल बोलते हो, तो बोलने से कुछ होता नहीं है ना, कि आप कुछ भी फेंकते रहो कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे नहीं होता। जब आप उनको रिजल्ट लाके दोगे कि हाँ ये देखो मैंने इतना किया है, ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ, देखो इतना मैंने रिजल्ट अचीव किया है, ऐसे ऐसे मैं ये कर लूंगा, तो वो पागल थोड़ी ना है, वो चाहते हैं तुम आगे बढ़ो। लेकिन जब तुम कुछ नहीं करोगे, केवल बोलते रहोगे, तो वो भी कहेंगे मतलब केवल फेंक रहा है। तो उनको थोड़ा सा रिजल्ट दिखाओ, वो डेफिनेटली आपका सपोर्ट करेंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि वायरल हो रहा है इस समय वीडियो उसका, कौन सा, प्रफुल्ल का, वही MBA चाय वाला। तो अभी उसने भी बहुत सारी इसी चीज कही कि जीवन में जो भी करो, तुमको कुछ भी करना हो, कोई काम ना तो छोटा होता ना बड़ा होता, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं पढ़ लिख करके क्या करेंगे, बिजनेस करते हैं, अच्छी बात है, बिजनेस करना चाहिए, पैसा भी बहुत है और हर चीज उसमें है, आप अगर देखोगे तो एक प्रकार से एक अच्छा रास्ता है जीवन में सक्सेस होने का। लेकिन अब यह है कि आप किसी भी चीज को वैसे ही करते जा रहे हो जैसे आम लोग करते आ रहे हैं, एक बड़ी भीड़ है, जैसे तुम अकेले तो बिजनेस कर नहीं रहे हो, बिजनेस करने वालों में लाखों लोग लगे हुए हर जगह कंपटीशन, लेकिन अब वो चीज है ना कि आप बिजनेस कर कैसे रहे हो, कुछ आपको यूनिक निकालना ही पड़ेगा ना। अभी ये भी बिजनेस ही कर रहा है, MBA चाय वाला क्या कर रहा है, बिजनेस ही है, लेकिन अभी देखो उस किस ऊंचाई पर है, तरीका मतलब तरीका देखो, और फिर मतलब कुछ भी करने के लिए ना तुमको थोड़ा सा हिम्मत फै तो ये थोड़ा सा जो शर्म आता है इसको छोड़ना पड़ेगा। अगर तुमको कोई कह दे कि जाओ चाय पे ठेला लगाओ, शाम को कोई कह दे शायद नहीं करेंगे, आप नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, लोग नहीं जाते अभी तो कुछ करें। हर कोई MBA चाय वाला का मतलब उसकी सक्सेस देख करके बोला अरे वाह वाह इसने क्या कर दिया, इतना बड़ा ये कर दिया, लेकिन उसने जो शुरुआत किया था क्या वो करने की आपकी हिम्मत है, बिल्कुल किसी का नहीं, कोई नहीं सोचेगा कि आजकल होता ना लोग इंटर पास हो जाते हैं फिर भी वो सोचते हैं हम कहीं बड़े जगह जॉब करेंगे, छोटा मोटा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अभी तुम सोचो
सोचो, छोटा करने मतलब शुरुआत करने की कोशिश नहीं करते, सब कुछ चाहिए, मतलब मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास पैसा आ जाए, गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, सब कुछ मतलब हमको चाहिए, लेकिन उसके लिए जो एफर्ट लगाना है, मेहनत करना है, वहां पे पीछे हट जाएंगे। लेकिन वो बंदा को छोड़ करके और अहमदाबाद में चाय का ठेला लगाया, लोगों को मुफ्त चाय पिलाया, वो बंदा मुफ्त चाय पिलाने के का एक एक जो भी उसका अवसर रहा लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि मैं एक अच्छा चाय बनाने वाला हूँ, और धीरे धीरे करके कैफे डाला, कैफे के बाद आप देख रहे हो उसका कितना बड़ा ग्रोथ कर गया है। आप सोशल मीडिया पर भी देख लो, मिलियन फॉलोअर तो उन्होंने पाया, इंस्टाग्राम पे भी उसके मिलियन हो गए। खुद ही उसने कहा है कि मतलब किसी भी काम को करो तो ऐसे करो कि कोई दूसरा उस काम को उस तरीके से ना कर पाए। वो कहता है अपना 100% झोंक दो, आप कुछ भी कर रहे हो उसको अलग तरीके से करो, यूनिक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि चाय तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं, हर जगह हर टपरी पूरे देश में आप देखोगे कितने सारे दुकान हैं चाय के, लोग चाय बना, लेकिन उसमें क्या अलग है, कुछ यूनिक किया अपने आप को, सोशल मीडिया पे लेके आया, लोगों तक पहुंचाया, अपने कुछ ब्रांचेस डाले अलग अलग जगहों पर, फ्रेंचाइजी मॉडल लेकर के, मतलब कि उसको एक जो छोटा सा दुकान था उसको बिजनेस मॉडल बनाया। और हमारा क्या होता है, देखते हैं हमारे आसपास, अपने आसपास भी आपने देखा होगा बहुत सारी शॉप्स हैं, आप उनके दादा के जमाने से देख रहे हैं, वही शॉप है, उतना ही बड़ा है, वही चलाते चले आ रहे हैं, उनके पापा है, बच्चे भी उसी में लग रहे हैं, मतलब उसको एक्सपेंड करने का सोच ही नहीं रहे हैं, बस केवल बड़ा करो किसी भी चीज को, उसी पे बस जीते चले जा रहे हैं। ऐसे वो बड़ा होगा नहीं, आप बड़ा वो तभी उसे कर सकते हैं जब आपकी समझदारी डेवलप होगी, जब आपका अंडरस्टैंडिंग हाई पावर होगा आपके माइंड का, आप चीजों को पढ़ोगे, समझोगे, अपने लाइफ से अनुभव को प्राप्त करोगे, सीखोगे, या किसी दूसरे के लाइफ को पढ़ करके सीखोगे, तभी आप लाइफ में कुछ कर सकते। एजुकेशन का मतलब ही यही है कि आप सीखने के लिए तत्पर हो, क्योंकि अभी आप जिस टाइम पे जी रहे हो ना, ये जो एरा है इसको डिजिटल एरा बोल रहे हैं, और इसमें आपके पास सब कुछ आपके हाथों में, जिसमें मोबाइल फोन या कहीं भी आप ये देख रहे हो वीडियो ना, तो आपके पास वो चीज है, आप कुछ भी चीज के बारे में सर्च कर सकते हो, गूगल पे पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, तमाम सारे प्लेटफॉर्म है जहां यूज करके आप जो भी चाहते हो सब सीख सकते हो। आप इलॉन मस्क को देख लो यार, उसको रॉकेट बनाना नहीं आता था, लेकिन पूरी कंपनी अपनी रॉकेट बनाने वाला बना दिया केवल पढ़ पढ़ के, तो टेक्निकल नॉलेज नहीं था, पढ़ पढ़ के सीख लिया। को अपने जारी रखो, लर्निंग बहुत जरूरी है लाइफ में, और काम भी जरूरी है उस हिसाब से। एजुकेशन जो आपको मिल रहा है उसको बस किताबी कीड़े की तरह मत पढ़ो, क्या मतलब रट लेना है, रट के एग्जाम में लिख देना है, बस बात खत्म। आप उसका एप्लीकेशन ढूंढो, पढ़ रहे हो तो सीखो, उसको एब्जॉर्ब करो, लाइफ में उसका क्या अनुप्रयोग है, और लाइफ का जो मतलब अलग अलग चीजें आ रही है उसमें हम उसका कैसे यूज कर पा रहे हैं, वही चीजें, कुछ चीजें आपने सीखा कि हम कैसे मैनेज करते हैं। अब मैनेजमेंट अगर आपने सीख लिया कि मैनेजमेंट ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करते हैं, फिर आप जो भी काम करोगे, आपका घर है, घर को भी मैनेज करना होता है, कई सारे लोगों के घर ऐसे हैं, चले जाओ तो समझ में आता है कि यार बैठने लायक नहीं है, वही चीज है। कई सारे लोगों का आप शादी में गए होंगे, ब्याह में गए होंगे, चीजें रुपया पैसा सब खर्चा किए हैं, लेकिन मैनेजमेंट ही नहीं दे पाते हैं। होता है ऐसा, मतलब देखा जाता है कि आप गए हैं, बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाई है, कितना बहुत भारी उनका घर है, लेकिन अभी रहता है थोड़ा बहुत जगह भी नहीं रहता कि आप कुछ रख दो, आराम से बैठ लो, तो क्या होता है कि अब मैनेजमेंट वो नहीं जानते हैं कि किस चीज को किस स्थान पर रखना है, कैसे रखना है। मैनेजमेंट पढ़ लेंगे, रट लेंगे कि हाँ मैनेजमेंट ये होता है, ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन मतलब उसको प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लेके आएंगे। और कुछ भी आप सीख रहे हो, अगर वो आपकी लाइफ में अप्लाई नहीं हो रहा है, तो वो चीज सीखने का कोई मतलब नहीं है। सीखो तो जिंदगी में दिखना चाहिए, दिखना चाहिए वो चीज, एप्लीकेशन। तो एजुकेशन को ऐसे मतलब ये मत बनाओ कि हाँ एजुकेशन ही है तो बस केवल हम ले रहे हैं कि हम हमने 12 पढ़ लिया, हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, केवल डिग्री के लिए मत लो, क्योंकि डिग्री की कागज के टुकड़ों जैसी ही औकात है, कुछ अगर वो आपकी लाइफ में एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो किसी मतलब नहीं है। वही कहा गया है कि अगर आप समझदार नहीं हुए तो आप के पास कितनी ही डिग्रियां क्यों ना हो उनका कोई मतलब नहीं, समझदारी ही आपका विकास करेगी, आपके व्यक्तित्व का विकास करेगी, और आप हर जगह पहचाने जाओगे। क्योंकि जितने भी महापुरुष हुए हैं आप उनकी जीवनी पढ़ो, उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल से ही सब कुछ किया है, उसी से उन्होंने अनुभव प्राप्त किया, उस अनुभव के आधार पर उन्होंने अपनी कहानी लिखी है, तब हम उन्हें पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई अवतार लेकर के आया, या किसी कोई जादू का छड़ी किसी को मिल गया, कोई बालवीर शक्तिमान पैदा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने ही अपने एफर्ट से सब कुछ दिखाया दुनिया को, और ये बताया है कि आप भी कर सकते हैं, यहाँ कोई भगवान नहीं पैदा होता है, यहाँ पर लोग संघर्ष करके ही भगवान का स्थान प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, और वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लोगों को अच्छा लगता है, लोग रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं धीरे धीरे लोग। तो जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ोगे ना, तभी जिंदगी में आगे बढ़ोगे, जैसे कि आपने कई वीडियोस में सुना होगा, अगर राम वनवास नहीं जाते, अयोध्या नहीं छोड़ते, तो केवल अयोध्या के राजा बनकर रह जाते, राजा ही रहते हो। अगर पूरी दुनिया तक अगर पहुंचना है तो आपको
कंफर्ट जोन तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार से सबको करना पड़ेगा। बुद्धा अगर कपिल वस्तु ना छोड़ते, लुम्बिनी ना छोड़ते तो बस एक राजा रह जाते और कितने सारे राजा थे, उनका नाम भी नहीं पता, लेकिन पूरी दुनिया में सबको पता, लेकिन पूरी दुनिया सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जानती है। इसी प्रकार से कृष्ण का है, इसी प्रकार से सबका है। जिसने भी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ छोड़ा है, कुछ ना कुछ प्राप्त किया है, उन सबका एक अलग अस्तित्व रहा है दुनिया में। एफर्ट बहुत मैनेज करता है यार, मैंने पढ़ा हुआ है कि लक, मतलब जैसे कहते हैं ना, पहले हमने सुना कि हमारे यहाँ नसीब लिखा हुआ है, कि ये जो हमारे नसीब में लिखा हुआ है हमारे साथ यही होगा। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा हो कि तुम्हारे नसीब में जो लिखा है कि तुम ये काम करोगे, ये गलत काम करोगे या ये अच्छा काम करोगे, तुम्हारे नसीब में पूरा लिख दिया है कि हाँ यही तुम्हारा नसीब है, फिर उसके बाद जो ये बाद में मरने के बाद ये कॉन्सेप्ट है कि तुम नरक में जाओगे स्वर्ग में जाओगे, हमने तो कुछ किया ही नहीं भाई। वही चीज है ना, हम तो क्यों जाएंगे नरक में, तुमने लिखा था हमने वो कर लिया। वही चीज है कि मतलब लोग हमारा कंट्रोल ही नहीं है, भ्रांति में सब जीते आए हैं कि स्वर्ग नरक, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अगर ये कॉन्सेप्ट है भी, मान लिया कि मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, लेकिन जब हम कुछ अपने से कर ही नहीं पा रहे हैं, हमारे नसीब में तुमने लिख दिया पहले से, तुम पहले से लिख दिया, तो अब हम नसीब पहले से लिख दिया तो वही चीज तो हम करेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट आ गया कि हमको स्वर्ग या नरक मिलेगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट है कि तुमको कुछ अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा तो हम करेंगे, तब हमको उसका सजा मिलना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए। सही है। तो नसीब का कॉन्सेप्ट मैं पढ़ रहा था, मुझे पता चला है स्कॉलर्स में कि नसीब वो है कि तुम क्या कितना पूरा एफर्ट लगा करके तुम जो करोगे, वो मान ले कि अगर ईश्वर है तो उसको पता है कि तुम क्या सारा कुछ एफर्ट लगा करके ये करने वाले हो, तो वो चीज उसको पता है, उसने लिख नहीं दिया या वो तुमको मजबूर नहीं कर रहा कि तुमको वही करना है। तुम्हारे पास पूरी छूट है कि तुम उस सिचुएशन में कितना एफर्ट लगा सकते हो, वो सब लगाने के बाद या फिर नहीं लगाओगे तुम, तब दोनों में जो तुम आउटकम दोगे लास्ट में वो लिखा हुआ है कि हाँ ये तुम हो जाएगा। उसने देखा है कि तुम कितना एफर्ट लगा रहे हो, उसने लिख नहीं दिया कि तुमको यही करना पड़ेगा। अब तुम्हारे ऊपर कि तुम जितना एफर्ट लगाओगे वो लिखेगा ही। अगर अभी हमें ये वीडियो करना है तो अगर हम ये वीडियो कर रहे हैं तो समझो हमारे नसीब में लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं कर रहे हैं तो हमारे नसीब में नहीं लिखा है। तो नसीब में कैसे लिखा, क्योंकि हमने किया तब ये नसीब में लिखा, मतलब हम कर रहे हैं अपने कॉन्शियस से, तो वो चीज हमारे नसीब में भी ऐड होता जाएगा। मतलब क्या हुआ कि नसीब हम खुद ही बना रहे हैं यार, अगर हम नहीं करेंगे तो वो चीज कैसे लिख देंगे। आप ही अपना जो है फ्यूचर क्रिएट करते हो, पूरी दुनिया जानती है, और इसी चीज को मानना चाहिए और इसी पर काम भी करना चाहिए। देखो जिस पर रिजल्ट अच्छा है, जो चीज मानने से आपको सुकून मिले उसी चीज को मानना चाहिए। ऐसा नहीं आप 1000 किताब पढ़े तो उसमें क्या लिखा है, कौन क्या बोल रहा है, किसकी क्या अमृत महान बाणी है, उस चीज को क्या मानने से क्या मतलब। जिसको रात में सो तो तुमको टेंशन हो यार क्या लिख दिया मेरे नसीब में, अब तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तुम अगर लिखा भी है, अगर तुम्हें लगता भी है, थोड़ा अंधविश्वासी हो अगर, तो उस पर तुमको समझना चाहिए कि हम इसको बदलेंगे, क्योंकि कहा गया ना कि नसीब बदला भी जाता है। तो उस पर नसीब की लकीरों से पहले आपके हाथों की उंगलियां हैं, मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट लगाओगे तो। आप जानते हो सिकंदर 21 वर्ष की उम्र में पूरी दुनिया जीत लिया था। अगर उसने भी मान लिया होता कुछ नसीबों के बारे में या कुछ भी ऐसा, तो क्या वो जीत पाता, दुनिया नहीं जीत पाता। आज 21 साल का बच्चा कुछ नहीं कर पाता है। आप देखते हो बेरोजगारी ऐसी है, लोग धरना के सिवा और कुछ नहीं, वही धरनों के सिवा कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया जीत लिया। उस समय तक जितनी भी चीजें उसके अंडर में थी, जितनी भी चीजों पर उसने कब्जा किया था, किसी शासक में इतना सामर्थ्य नहीं था कि उसके सामने खड़ा होकर के उसको खुली चुनौती दे सके। लेकिन अब वो तो अलग की बात है कि बाद में वो आध्यात्मिक हो गया या किसी कारण बस भारत से उसे लौटना पड़ा, लेकिन जहां भी वह कदम रखा वो फतेह हासिल किया। 21 साल का लड़का कोई मजाक की बात नहीं है, क्योंकि उसने चीजों को समझा, जीवन को समझा है। उसके गुरु रहे हैं, आध्यात्मिक गुरु रहे हैं डेनोसियस और अरस्तु से उसने शिक्षा प्राप्त की है, और दोनों ही महान दार्शनिक और विद्वान रहे हैं अपने समय के ग्रीक के। तो ऐसी बात तो मतलब ये जो पूरा सिस्टम है, मतलब ये कि आप थोड़ा समझदार बनो, अंडरस्टैंडिंग को अपने बढ़ाओ, समझो चीजों को कैसे उसको लाइफ में अप्लाई करना है, उस पर काम करो। बहुत सारी चीजें हैं भी लाइफ में आपको करने को, केवल आपको गवर्नमेंट जॉब ही नहीं करनी है यार, क्योंकि क्या होता है ना, पूरा एजुकेशन का हमारा मुद्दा ही होता है कि हमको जॉब चाहिए। बिल्कुल, जॉब तुमको वैसे भी मिल जाएगा, तुमको एजुकेशन की क्या जरूरत है। बिल्कुल। तो आप शिक्षा हरदम जो है अच्छे से सीखने के लिए, सीखने के लिए कि उससे मेरी पर्सनालिटी में क्या चेंज आ रहा है, मैं लाइफ में और भी जो काम करूंगा उसका यूज कैसे कर पाऊंगा। ये नहीं कि मतलब कि हमको बस वही नौकरी चाहिए, तुम कुछ भी काम करोगे तुम्हारा एजुकेशन अगर अच्छे तरीके से तुमने सीखा है ना, तो वो चीज काम करेगा तुम्हारी लाइफ। हाँ हाँ, वही चीज है, कहीं ना कहीं आप हमेशा लगे रहो और लगे ही रहो, मतलब रुकना नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को गिव अप कर रहे हो तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ता है। लोगों ने गिव अप, जिसने भी गिव अप किया है, बाद में आप पूछ लो उससे, वो यही बताएगा कि गिव अप करके हमने गलत किया है। आप जो कर रहे हो उसमें पूरा एफर्ट लगाओ,
आपका रिजल्ट कैसा भी आ रहा, निगेटिव आ रहा, पॉजिटिव आ रहा, लेकिन उसको टाइम दो, आप उसको टाइम दो, उसको चेंज करो, चेंज करने का पूरा प्रयास करो। हाँ, अगर कई बार इस चीज में मुझे थोड़ा हुआ है कि कैसे, मतलब कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो जरूरी है कि हम उस पर लगे ही रहे, लगे रहे, गिव अप कैसे नहीं करेंगे यार। है ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर पहले इसी को तो कहते हैं ना समझदारी, कि अगर तुम समझदार नहीं हो, तुम मान ले गए यूपीएससी की तैयारी करने और लगे हुए, एक साल दिया, दो साल दिया, तीन साल दिया, चार साल दिया, और दस साल तुम इसे निकाल दे रहे हो, तो ये समझदारी हुई कि नहीं, मतलब ये गलत है, ये गलत है। मतलब कि जैसे अब ये है कि अब देखो पूरा उम्र 35 साल तक उसी में नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है कि लगा दिया एक दो बार जो भी आपका रहेगा तो उसमें पहले तो 100% एफर्ट देना चाहिए। आप 100% एफर्ट दो बार, तीन बार, चार बार एफर्ट अपना, जब तुमको लगे कि मैं 100% देने के बाद, पूरा एफर्ट देने के बाद, 90-95% तक पूरा परिश्रम करने के बाद भी अगर मुझसे कुछ नहीं हो रहा, एकदम ही निगेटिव आ रहा है, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि अगले साल भी अगर मैं तैयारी करूं तो मुझसे बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप वहां से गिव अप दे सकते हो। क्योंकि देखो कब गिव अप करना है या आना, ये समझदारी भी होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी समझदारी यही है। क्या होता है कुछ लोग, मतलब किसी काम में किस चीज को छोड़ोगे, किस चीज को पाओगे, क्योंकि देखो कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, क्योंकि यही तुम्हारी लाइफ का लक्ष्य है, तुमको यही करना है। कई बार मैं देखता हूँ लोगों को, मतलब कि हाँ बस एक पकड़ लिया या कुछ अपने माइंड में कॉन्सेप्ट रख लिया कि मैं ये सोच रहा हूँ तो मतलब ये अच्छा है, इसके लिए मैं पूरी जिंदगी लगा दूंगा। अरे हो सकता है तुम तो सोच रहे हो वो गलत हो, सही है, और तुम उसके पीछे पूरी जिंदगी लगा दो ये एटीट्यूड के साथ कि नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। अरे नहीं, गिव अप भी करना है, ये भी समझदारी है, गिव अप करना भी। कि जैसे कि मतलब मान लिया यूपीएससी की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक साल हमने पूरा एफर्ट लगा करके प्रिपरेशन किया और रिजल्ट आया और हमें दिखा कि हाँ यार दो तीन नंबर से हम रह गए, तो मतलब इसमें क्या समझदारी है, ये थोड़ी ना कि मतलब छोड़ के चले जाओगे, इसका मतलब समझ में आ गया तुम्हें कि हाँ थोड़ा सा और एफर्ट लगाऊंगा तो निकल जाएगा। अब तुम एक साल पूरा तैयारी कर लिए और उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है 30 नंबर और कट ऑफ है 100 नंबर का, तब समस्या है, तब आप वहां से तुम कहो नहीं नहीं गिव अप नहीं करेंगे हम, फिर से करेंगे, दो साल तीन साल चार साल कर रहे हो फिर भी 50-60 तक ही पहुंच पा रहे हो, पहुंच नहीं पा रहे हो, तो मतलब क्या देखना है कि मतलब क्या मेरी उस काम में, क्योंकि कैपेसिटी हर काम की अलग अलग होती है, कुछ लोग पढ़ने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग किसी और काम में अच्छे होते हैं, तो देखना है कि मतलब कि क्या ये मेरा मैच हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है कुछ और करेंगे भाई, बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम, और हर काम आपको उस ऊंचाई पर लेकर के जाएंगे, यही चीज है, तो आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार काम को करते रहो। हाँ, तो इंटरेस्ट मतलब सबसे जरूरी है, गिव अप भी जरूरी है, लेकिन पहले गिव अप करने से पहले अपना पूरा 100% दे लगाना जरूरी, जब आप पूरा 100% दोगे ना फिर आप हार भी जाते हो ना, तो आपको मतलब वो काश मैंने, काश मैंने किया होता तो आज यही चीज हो जाता, ऐसा ना हो कि गिव अप करने के बाद आपको पछताना पड़े, आपको लगे कि हाँ हमने टाइम भी दिया था, परिश्रम पूरा किया था, ईमानदारी दी थी, अब वो मेरे, अब उसके बाद उसके लिए मैं नहीं बनाऊ, मैं कुछ और करने के लिए, तो फिर टाइम दो, तो आप वहां पर गिव अप कर सकते हो। हर चीज चयन करना है अपने अंदर, हर चीज आप जिस समझदारी पे डिपेंड करती है, खुद को टकटोलो तो हो सकता हो कुछ आपको मिले, तो इसलिए यह सेशन रखा गया थोड़ा कि अब डेली हम कोशिश करेंगे कि मतलब एक आध टॉपिक हम टच करें जो कि आपके लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, जहाँ पर लोग फंस जाते हैं, माइंडसेट डाउन हो जाता है, तो सारी चीजें हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। आपके भी कोई कमेंट्स हैं या आपके भी कोई सुझाव है तो आप लोग कमेंट्स में लिखो, और अगर हो सकता हम लोग थोड़ा बहुत कहीं त्रुटि रह गई हो तो आप बताने का जो है पूरा प्रयास करो, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट, या कोई भी परफेक्ट नहीं है, कर रहे हैं हम लोग भी, कुछ प्रॉब्लम आएगी, कुछ अच्छा कुछ बुरा, आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्स, क्योंकि क्या होता है कुछ लोग तो मतलब कमेंट करते हैं बस केवल बुरा कहने के लिए, बुरा अगर आप बोल रहे हो ना तो उसमें क्या अच्छा किया जा सकता है, ये भी ऐड ऑन करके जरूर बताना, बताओ क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम वो होता है ना कि निगेटिव कमेंट्स भी आएंगे, पॉजिटिव कमेंट्स भी आएंगे, तो अब इससे थोड़ी ना आदमी कहीं रुक सकता है या कुछ भी, वो तो कमेंट्स आप कर रहे हो ना तो उसका थोड़ा सा पॉइंट दो कि मतलब यहाँ ये कमी थी, इसको ऐसे ठीक कर लो, या मतलब क्यों मतलब कमी ही मत बताओ, थोड़ा सा बताओ कहाँ कमी थी और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, ये करते तो अच्छा होता, ज्यादा बेटर होता, तो जरूर कमेंट करके बताइए आपकी कुछ भी कुछ आपके माइंड में आप समस्या है, प्रॉब्लम है, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते, डिस्कस कर लिया जाएगा, और भी कुछ लोग और भी ऐड होंगे जरूर इस सेशन में, तो और भी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो, शेयर करोगे आप लोगों तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए यार, आप लाइक सब्सक्राइब मत करो लेकिन लोगों तक शेयर जरूर करो ताकि पहुंचे, बिल्कुल क्योंकि इंपॉर्टेंट है पहुंचना, लोगों तक पहुंचेगा तभी इसका कोई मतलब है, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं है। ओके दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू।